A21 का बजट है NTR-30 से ज्यादा, क्यों अल्लू अर्जुन को कहा जाता है ग्रीन वॉरियर? A21 कब होगी रिलीज? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बॉलीगार्ड स्टूडियोज, जहां आपके लिए लाते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट। तो आज हम आपको बताएंगे कि बड़े बजट की फिल्म बताई जा रही है A21 का कितना होगा बजट, करेंगे सुपरस्टार अल्लू अर्जुन से जुड़ी और भी कई बातें, तो वीडियो में हमारे साथ एंड तक जरूर बने रहें। अल्लू अर्जुन इंडस्ट्री का एक ऐसा सितारा है जिन्हें अपनी इंडस्ट्री की सिंपल लाइफस्टाइल के लिए भी जाना जाता है। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले अल्लू अर्जुन अपने पोस्ट से अपने फैंस के साथ अपने हैप्पी मोमेंट्स शेयर करते रहते हैं और फैंस को भी उनकी पोस्ट काफी पसंद आती है। हाल ही में ग्रीन वॉरियर कहे जाने वाले अल्लू अर्जुन ने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर फैंस से रिक्वेस्ट कर उन्होंने लिखा कि हमें साथ मिलकर एक ग्रीन प्लैनेट बनाना है और इसमें सबका कॉन्ट्रीब्यूशन जरूरी है। अल्लू का मानना है कि पेड़ लगाकर हम अर्थ का बेटर बना सकते हैं। Planting tree is only the way to make earth better. उन्होंने ये भी बताया कि उनके ऑफिस और घर में काफी ग्रीनरी है और वो अपने फैमिली और फ्रेंड्स को स्पेशल ओकेजन पर स्मॉल प्लांट्स और सीड्स भी गिफ्ट करते हैं। लास्ट ईयर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर अल्लू ने एक अभियान शुरू किया जिससे दुनिया भर में फैंस को पेड़ लगाने के लिए मोटिवेट किया जा सके। अल्लू अर्जुन अभी बिजी है अपनी पुष्पा रूल ऑफ शूटिंग में। इस फिल्म का बजट 400 करोड़ बताया जा रहा है और NTR-30 जिसे कोटाला शिवा डायरेक्ट कर रहे हैं, इस मूवी का बजट 300 करोड़ है। A21 तो पहले से ही बड़े बजट की फिल्म अनाउंस कर चुके हैं क्योंकि इस मूवी की कई भाषा में बनाया जाएगा। अभी A21 का बजट तो अनाउंस नहीं किया गया है मगर इस मूवी का बजट 200 से 300 करोड़ के बीच हो सकता है। अब अगर आप भी हैं अल्लू अर्जुन के फैन और कर रहे हैं A21 का बेसब्री से इंतजार, तो हम आपको बता दें कि ये मूवी 2024 में रिलीज होगी क्योंकि पुष्पा पार्ट 2 की शूट खत्म करके आइकन की शूट शुरू करेंगे, फिर वो A21 पर काम करेंगे। आपको अभी तक अल्लू अर्जुन की कौन सी मूवी सबसे अच्छी लगी है ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर करें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए जिससे हम आपके लिए और भी ऐसी वीडियोस बनाने को मोटिवेशन मिलती रहे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार।